आतंकियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर उठे सवालों के बीच एमपी पुलिस ने साफ किया कि सभी संदिग्ध आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि पुलिस एनकाउंटर के वीडियो से जुड़े सवालों से बचती भी दिखी। कथित तौर पर ग्रामीणों की ओर से बनाए गए कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिस आतंकियों पर गोली चला रही है, हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर पर शिवराज सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। मानवाधिकार आयोग ने 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है, जबकि लेफ्ट, बीएसपी, एआईएमआईएम, कांग्रेस सहित कई दलों ने पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागी इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए कि जेल की फंक्शनिंग में कहां कमी है जिसकी वजह से सिमी के लोग ही भागते हैं, दूसरे नहीं भाग पाते, कहां कमी है उसको देखें। लेकिन एनकाउंटर की जांच एनआईए करे, लेकिन अदालत के बेंच इसको हाई कोर्ट की या डीजे कोर्ट की कोई के लोग इसकी मॉनिटरिंग करें, तभी इसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। केजरीवाल ने कहा है, फर्जी एनकाउंटर्स, फर्जी मामले, रोहित वेमुला, केजी बंसल, गायब नजीब, दलित पर हमला, एबीवीपी, आरएसएस और गौ रक्षकों की गुंडागर्दी, यही मोदी राज है। पुलिस ने मुठभेड़ में मौत पर आलोचनाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई जिसमें वे मारे गए और उसके बाद उनके पास से 4 देसी बंदूकें और कुछ धारदार हथियार बरामद किए गए। उनकी लाशों को हम देखते हैं तो जूते पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है, बैंड्स हैं, बेल्ट है, और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास चमचे थे। तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ पर उठाए जा रहे सभी सवाल जांच के मामले हैं, क्योंकि सिमी कार्यकर्ताओं की जेल से फरारी और उनके मारे जाने के बीच के 7 घंटे से ज्यादा समय की घटनाओं की श्रृंखला की अभी जांच होनी बाकी है। आतंकियों के पास से 2 315 बोर के कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 1 12 बोर का कट्टा और 3 धारदार हथियार मिले हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आतंकियों के पास हथियार आए कहां से। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से इस घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिससे यह पता चल सके कि क्या जेल प्रशासन की ओर से कोई चूक हुई या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।